नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। अगर कोई आपके पास सोने के सिक्के, बिस्कुट या दूसरा सामान लेकर आए और सस्ते दामों में देने की बात कहे तो सावधान हो जाइए, वरना आप अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठेंगे। पश्चिम बंगाल की बीरभूम पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जिसके सातिर अमीर घरों में जाकर कहते कि वो एक बड़े आदमी के यहाँ काम करते थे और उन्हें वहाँ से जमीन में दबे सोने के सिक्के मिले हैं। इसके बाद वो उन्हें सस्ते दामों में बेचने की पेशकश करते। लोग उनकी लालच भरी बातों में आ जाते और उन सिक्कों को खरीद लेते, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता कि वो सिक्के तो नकली सोने के हैं। उधर एक के बाद एक जब गैंग के साथियों ने बीरभूम जिले में कई लोगों को अपना शिकार बनाया तो पुलिस ने इस गैंग को दबोचने के लिए एक टीम गठित की और आखिरकार इस गैंग के साथे पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जन के टू बोलते चाहे वो एमुन कोनो चीटिंग होवार भीतरे एक टू जे विक्टिम आछे, एक्चुअली आमी ओके विक्टिम भावे बोलबो ना, बेसिकली ओनार लोभ जे आछे कि इलीगल वे ते आमी की करे गोल्ड कॉइन पे जाबो, जे कोनो जमीर नीचे कोनो गोल्ड जिनिस आछे तो गवर्नमेंटेर राइट आछे ओर उपरे। तो आपनारा एमुन कोनो खबर पेले भी एक टू गवर्नमेंट के बोलबेन, ठीक आछे कोनो अफिसर के आपनी जानाबेन, आपनी लोभे पड़े कि आमी ओई टाका ओई गोल्ड कॉइन सस्ता पे जाबो आमी निये नेबो, ওই লোভে পরেই এই এরা চিটার্স যে আছে ওরা বেনিফিট নেয় আর ওই লোককে একটু সাহস করে ওর লোকের টাকা নেওয়ার জন্য। তো আমরা আপনার এই সামার চ্যানেল থেকে একটু সামান্য মানুষকেই বলবো কি এমন কেউ যে আপনাকে ফোন করে প্লিজ ওকে উপরে কোনোভাবে আপনারা রিয়্যাক্ট করবেন না, যে হয় নম্বর আমার লোককে পসিবলি আপনি যে দিতে পারেন ভালো হবে, আমরা ওনাকে ভেরিফাই করে যে অ্যাকশন লেওয়ার আছে আইন হিসাবে আমরা ব্যবস্থা নেব। वहीं जिले के एसपी नगेंद्रनाथ त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी लालच में ना आएं और ऐसे ग्रोह से सतर्क रहें। बीरभूम पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है ताकि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके, इसमें वो काफी हद तक सफल भी रही है। बीते कुछ दिनों में बीरभूम पुलिस ने कई बड़े गैंग का खुलासा भी किया है। बीरभूम से अराइज न्यूज के लिए अमन राय।